तो आज हम बात करेंगे एक न्यू NFO के बारे में, एक न्यू फंड ऑफरिंग के बारे में जिसका नाम आदित्य बिरला सन लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ फंड है। तो ये इशू है जो 5 अक्टूबर से NFO सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा। और आपको बता दें कि स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड होते हैं जो किसी स्पेशल अपॉर्चुनिटी पर ही जो पोर्टफोलियो में चेंजेस करते रहते हैं वहाँ पर ही इन्वेस्टमेंट करके, मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने वाली है, कोई न्यू अनाउंसमेंट होने वाली है कंट्री में, या फिर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी या रेगुलेटरी चेंज होने वाली है, तो उस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उस टाइम पर कि वहाँ पर लगता है कि अब मार्केट ऊपर अप होने वाली है, तो वहाँ पर ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ कर जो है स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ कर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके वैसे वैसे टाइम्स में इन्वेस्टमेंट करके इन रिटर्न्स जनरेट करते हैं। और आपको बता दें कि ये इस टाइप के जो फंड होते हैं हाईली रिस्की होते हैं। और एक और बात आपको बता दें कि इस टाइप का जो फंड है स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड अभी तक नहीं है, पहले थे 2018 में सेबी के एक न्यू रूल के अकॉर्डिंग जो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड थे कुछ उनको जो है मर्ज होना पड़ रहा था अनदर स्कीम्स में, तो इसलिए जो अब हम बोल सकते हैं कि एक ओनली जो एक न्यू NFO है जो कि अभी तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड अवेलेबल नहीं है कोई भी, तो अभी एक जो पहला फंड है स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड है जो वो मार्केट में आने वाला है। तो मैं आपको राय बाद में दूंगा, पहले आपको बता दूं कि क्या क्या खासियत है फंड की। और बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपको पता है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो उससे पहले बहुत सी ऐसी जानकारी होती हैं जो आपको ले लेनी चाहिए, तभी उसके लिए उसमें चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, इंट्राडे टिप्स, या फिर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करवाना कोई काम चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन की ओर चलते हैं। तो चलिए मैं ले आया हूँ आपको स्क्रीन पर, और हम बात कर रहे हैं आदित्य बिरला सन लाइफ के स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड के बारे में। तो NFO की जो ओपनिंग डेट है 5 अक्टूबर 2020 से NFO सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा, और NFO की जो क्लोजिंग डेट है 19 अक्टूबर 2020 को NFO में सब्सक्रिप्शन के लिए क्लोज हो जाएगा। तो जो जो इन्वेस्टर्स NFO को सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो 5 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर के बीच बीच में इसके लिए सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो फंड में वो आप 500 रुपये से कर सकते हैं, आप SIP भी मिनिमम 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फंड के जो फंड मैनेजर जी हैं वो है चंचल खंडेलवाल जी, अनिल शाह जी इस फंड को मैनेज करेंगे। स्कीम टाइप है जो ओपन एंडेड स्कीम है, आप कभी भी अपनी मनी रिडीम करके, इन्वेस्टमेंट रिडीम करके इसमें से एग्जिट हो सकते हैं। और NAV है जो 10 रुपये एप्लीकेबल होगी ड्यूरिंग NFO पीरियड। तो एग्जिट लोड है जो 0.25% है, अगर आप 90 दिन से पहले यानी कि 3 महीने से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट रिडीम करते हैं, मनी रिडीम करते हैं, तो आपको जो है 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। बेंचमार्क है जो S&P BSE 500 TRI फंड का बेंचमार्क है। रिस्क है जो हाईली रिस्क है, आपको जैसा कि मैंने बताया कि थीम बेस्ड फंड है जो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढकर उस टाइम्स में ही इन्वेस्टमेंट की जाएगी, वहां से ऐसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देखकर ही इन्वेस्टमेंट की जाएगी, तो इसलिए जो फंड है हाई रिस्की है और हाई वोलेटिलिटी भी इस फंड में रहेगी। तो चलिए बात करते हैं फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। द स्कीम सीक्स टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड बाय स्पेशल सिचुएशंस सच एज कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज और रेगुलेटरी चेंजेस कंपनीज गोइंग थ्रू। देखिए, जो स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएट करना है, जो कि इन्वेस्टमेंट करके अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंटेड बाय, जो कि स्पेशल सिचुएशंस में जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जैसे कि कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस जो होते हैं, रेगुलेटरी में चेंजेस होते हैं, कंपनीज गोइंग थ्रू इट टेम्परेरी बट यूनिक चैलेंजेस एंड देयर सिमिलर इंस्टेंसेज, जो अलग अलग चैलेंजेस आएंगे, जो अलग अलग रूल चेंज होंगे या पॉलिसी चेंज होगी गवर्नमेंट की, या फिर मान कुछ समझ लेते हैं कि कोई भी जैसे भी COVID-19 हुआ था, तो ये भी एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी थी इन्वेस्टमेंट करने की। अब आप देखिए, जिन इन्वेस्टर्स ने अप्रैल के महीने में 7000 के लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया होगा, अगर उन्होंने 1 लाख रुपये भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उनके पास नियर अबाउट 2 लाख 2.5 लाख रुपये हुए होते, तो यानी कि उनको 100% की रिटर्न इतने ही टाइम में मिल गई होती। तो जो स्कीम है ऐसे ऐसे ही
जो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ कर ही उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट की जाएगी, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ कर। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी बात की ओर। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो स्कीम के, जान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या रहेगा स्कीम का, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ में कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट रहेगी। इन्वेस्ट अप टू 80% to 100% इन इक्विटी सिक्योरिटीज़। तो जो फंड स्कीम की इन्वेस्टमेंट होगी वो 80% से 100% तक की इक्विटी सिक्योरिटीज़ में होगी। इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज़ 0% to 20%। तो डेट सिक्योरिटीज़ में 0% से लेकर 20% तक की होल्डिंग हो सकती है, जो कि म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। और 0% to 10% इन REITs, REITs एंड InvITs की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है हमारे इन्वेस्टर्स को, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हमारी राय ये है कि जो इन्वेस्टर्स हाईली रिस्क चाहते हैं और हाई रिटर्न्स चाहते हैं, और जो इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि वो भी ऐसी ऐसी स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करें और हाई रिटर्न्स का जो है फ़ायदा उठा सकें, तो उस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं जो, वो इन्वेस्टर्स इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए 4, 5, 6, 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस टाइप के इन्वेस्टर्स इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइजरी ले लीजिए, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आपको किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहिए या फिर आपको क्वेश्चन जानना चाहते हैं और फिर आप NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे बिना किसी हेजिटेशन के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बात करूंगा यहीं पर। अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।